बायोलॉजी फिगर्स कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्न जो चित्र पर आधारित होते हैं, इसमें से जीवों में जनन टॉपिक से आज आप जानेंगे कृत्रिम कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन और अलैंगिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में कलम लगाना, दाब लगाना, गोटी बांधना, रोपण में भी कसा रोपण, कलिका रोपण, स्फार रोपण आदि बहुत सारे भाग बनाए गए हैं, जिनके चित्र बड़ी ही सावधानी से श्यामपट पर ड्रा किया गया हुआ है। इसे आप अपने रफ कॉपी में बनाने का अभ्यास कीजिए। इसके साथ साथ ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। इसके साथ ही आप इन चित्रों को बनाकर अभ्यास करें और आपको इनसे बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हों उनके आंसर में भी इनको बनाने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब है प्राकृतिक कायिक जनन, जिसमें डड़ के द्वारा, तने के द्वारा और पत्तियों के द्वारा जनन कैसे होता है। जड़ में डहेलिया, शकरकंद, तने में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आलू, अरवी, अदरक, हल्दी और साथ ही साथ पत्ती में ब्रायोफिलम पत्ती से होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अलैंगिक जनन, इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि जीव शरीर के संपूर्ण कायिक भाग में से कोई एक भाग अलग होकर एक नया जीव तैयार कर लेता है, जिसमें विखंडन को भी बांटा गया है दो भागों में, द्विविखंडन और बहुविखंडन। इसके साथ ही खंडन विधि बहुत ही लोअर केस के शैवालों में पाई जाती है। स्पायरोगायरा को तालाब का रेशम कहा जाता है। मुकुलन विधि हाइड्रा जंतु में होता है और जब मुकुल टूट के गिरता है तो उससे एक नया जीव बन जाता है। नेक्स्ट इसी में है बीजाणु जनन, जो बहुत ही सूक्ष्मतम फंजाई अर्थात कवक में, मांस पौधों में और टेडोफाइट्स पौधों में पाई जाती है। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनको हम प्रयोगशाला में भी उगा सकते हैं। इसे प्रयोगशाला में पौधों को उगाने की विधि को पादप ऊतक संवर्धन विधि कहा जाता है। इस विधि से बहुत सारे पौधों को कम समय में तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।